बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं मोहम्मद नवाज शहजाद आज नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके सामने हाजिर हूं। चूंकि आपसे मैं पहले वीडियो में ये जिक्र कर चुका हूं कि इसमें सीक्वेंस है, तसलसल है, तसलसल से ही इंशाल्लाह हम चलते रहेंगे। आज हम एक बात नई सीखना चाहते हैं कि जब आप सीखने के अमल से गुजर रहे हैं तो फिर फ्लावर को अपने जेहन में रखें। अगर आप फ्लावर को जेहन में रखते हैं तो एक मॉडल स्टूडेंट भी हैं और मॉडल टीचर भी हैं। एफ से है फेस द टीचर, व्हेन यू आर सिटिंग इन द क्लासरूम ऑलवेज फेस द टीचर। आप अपना चेहरा जो है वो टीचर की तरफ रखें। अगर आप अपना चेहरा टीचर की तरफ रखते हैं तो आप गुड लिसनर हैं। और जो गुड लिसनर होता है वही गुड लर्नर होता है। अगर आप गुड लिसनर हैं तो आप गुड लर्नर हैं। अगर आप गुड लिसनर नहीं हैं तो आप गुड लर्नर नहीं हैं। सेकंड है लीन अहेड। आप जहां बैठे हैं अपना झुकाव आगे की तरफ रखें ताकि आप एक्टिव दिखाई दें, एक्टिव नजर आए। अगर किसी भी बच्चे में, आप क्लासरूम में एज ए टीचर में बात कर रहा हूं, अगर आप भी टीचर हैं और क्लासरूम में है कोई बच्चा जरा लेजी हुआ हुआ है, उसने पांव पिसारे हुए हैं, तो आप उसे जाके जरूर चेक करें कि जो बच्चा है वो कोई प्रॉब्लम का शिकार तो नहीं है। उसे बुखार नहीं, उसे कोई पेट दर्द नहीं, वो सुबह सुबह उठ के आ गया, उसकी नींद पूरी ना हुई हो रहे, तो ये टीचर का ये जिम्मेदारी है टीचर की कि वो लेसन को बेमकसद ना बनाए, उसे बामकसद रखे, उसे वो पूरा रिजल्ट हासिल करे। तो ज़रूरी है कि आपके सारे लोग जो हैं सामने बच्चे बैठे हुए हैं या लिसनर बैठे हुए हैं, जो व्यूअर्स रखे हैं, वो एक्टिव हों, उनका झुकाव अगली तरफ होना चाहिए। ओपन योर पोस्चर, आप जहां भी बैठे हैं वहां जरा कुशादगी से बैठना चाहिए। ये नहीं कि आप चार लोग पहले बैठे हो उसमें घुस के बैठ गए हैं। अगर ऐसा आप करते हैं, या बच्चे जो आप बच्चों का जो सीटिंग जो अरेंजमेंट है उसमें एक डेस्क पे तीन बच्चे बैठ सकते हैं, आप चार बच्चे बिठा देते हैं, तो वो बच्चे जो हैं वो कभी भी सीखने के अमल से इस्तेफादा नहीं करेंगे। उसकी वजह वो एक दूसरे को पुश करते रहेंगे और डिस्टर्ब रहेंगे, तो लेसन की तरफ ध्यान ही नहीं होएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप हमेशा कुशादगी के साथ अपनी क्लास को भी बिठाएं और खुद भी जहां भी कभी कोई ऐसी मीटिंग होए जहां सीखने का अमल हो आप वहाँ उससे फ़ायदा उठा सके। नेक्स्ट है वॉच द एक्टिविटीज ऑफ द टीचर। जो भी स्पीकर है आपके सामने है, मेरी आवाज है, मैं अपनी आवाज को उसकी टोन जो है उसको कभी अप करता हूं, कभी डाउन करता हूं। यही नहीं, मेरा हाथ भी दिखने का अंदाज, हाथ कभी ऊपर करता हूँ, नीचे करता हूँ, कभी इसको मैं हरकत देता हूँ। जो जो चीज़ आपको पसंद है वो अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लें और फिर उससे फ़ायदा उठाएं। जो चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को अच्छी नहीं लगती उसको कभी भी आप अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा ना बनाएं। नेक्स्ट वन इज एनर्जाइज योर सेल्फ। A
एनर्जाइज योर सेल्फ, इसका जो मतलब है वो अपने आप को हमेशा अपने चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान सी रखें। और मुस्कान जो होती है वो दो तरह की होती है, एक तो स्माइल होती है, लेकिन जरूरी नहीं स्माइल हमेशा आए, फिर आप स्मर्क इस्तेमाल कर लें। ये आर्टिफिशियल स्माइल है, आप इससे फायदा उठा सकते हैं। और ये आपको कभी थकने नहीं देती। मेरी आदत है कि जब लेसन बड़े बड़े लंबे ट्रेनिंगें हुई, चार चार घंटे पांच पांच घंटे की ट्रेनिंग मैंने करवाई, अपने चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रखी और या स्मर्क रखी और मैं थका नहीं कभी, बड़ी एंजॉय करता रहा अपनी अपनी एक्सरसाइज से। जब मैं मुझे खास तौर पे एक दफ़ा बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस हुआ, जब मैं लहिए में एक शहर है छोटा सा लदाने में था, तो वहाँ जो क्लास बैठी हुई थी वो एक बरामदे में थी, सूरज की शुमाएँ सीधी बरामदे में आ रही थी और उस तरफ बच्चियाँ बैठी हुई थी। वहाँ लोग मेल और फीमेल एजुकेशन में बहुत दिलचस्पी रखते हैं उस ज़िले में। तो मैं सोच रहा था कि ये पसीने से शराबोर बच्चे सीखेंगे क्या। तो अचानक एक लड़का खड़ा हुआ, नौजवान था, बड़ा था, उसने ऐसे ही मुंह में आया, उसके फिकरा उसने कह दिया, उसने कहा सर ये जो टीचर है फीमेल, ये जिस अगर किसी को मार दें थप्पड़ तो वो दो दिन बच्चा छुट्टी पे चला जाता है, इसकी वजह क्या है। तो मुझे मौका मिल गया बात करने का, मैंने कहा कि ये आटा गूंथती हैं और आटा गूंथने की वजह से इनकी कलाइयाँ बहुत मजबूत होती हैं, तो जिसको ये थप्पड़ मार दें तो समझ लो वो दो दिन छुट्टी पे चला गया। अब जो बच्चियाँ थी वो भी बोल्ड होगी थोड़ी सी, एक बच्ची खड़ी होगी, उसने कहा सर ये तो डंडे से मारते हैं। तो वो सारे कुदरती जितने थे 20 के 20 ही वो शादीशुदा थे, मैंने कहा कि ये जो कि शादीशुदा हैं हाथ जोड़ जोड़ के इनके हाथ कमज़ोर हो गए हैं और अब ये डंडे से मारते हैं, हाथों से मार नहीं सकते। तो सब लोग जो थे उनके चेहरे पे मुस्कान आई, मैंने उनको एनर्जाइज कर दिया और जो ही वो एनर्जाइज हुई मैं अपने लेसन पे ले गया। तो ये जो एनर्जाइज करना होता है, ये कोई भी काम आप करते हैं आप अपने आप को एनर्जाइज रखें तो हल्की सी मुस्कान नहीं तो स्मरक अपने चेहरे पर जरूर सजाए रखें ताकि आप थक न जाएं। बोला नेक्स्ट वन रिलैक्स। आप लेसन दे रहे हैं तो लेसन देते देते थोड़ा सा लेसन से हट भी जाए, जैसे मैं थोड़ा सा ये वाक्या लेके मैंने आपको थोड़ा चेंज कर दिया, आपको लिए ले गया दाने में ले गया, तो उसकी वजह से आप थोड़ा सा हट गए हैं। तो इस तरह जो चीज़ है वो जो लेसन चल रहा होता है वो भूल भी बाद उतार जाता है। इंशाल्लाह आगे बहुत से लेसन आएंगे जहां आप रिलैक्स आपको नज़र आएगा। और तब मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि आप इसे जेहन में रखेंगे कि जो सर इस वक्त जो बोल रहे हैं ये रिलैक्स है, और जो रिलैक्स है ये बड़ा ज़रूरी है लर्निंग में। तो ऑलवेज कीप फॉर आवर इन योर माइंड व्हेन यू आर एज ए टीचर एज ए स्टूडेंट इन द क्लासरूम इन एनी सेशन देयर। थैंक यू वेरी मच और अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो।